हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं फिर से लेकर आई हूँ सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द सिनोनिम्स ऑफ एसोसिएट ऑप्शन दिया है एम्प्लॉई कम्पिटिटर कॉलिग एग्जीक्यूटिव पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसोसिएट क्या है एसोसिएट मतलब कनेक्शन जिसका कनेक्शन है जिसे हम कहते हैं सहयोगी जिसे हम साथी भी कह सकते हैं मिलजुल के रहना या फिर मिलजुल के काम करना ये सब एसोसिएट के अंदर में आएंगे ठीक है जैसे कोवर्कर पार्टनर सपोर्टर लिंक रिलेट कॉन्टेक्ट सो so, ये सब एसोसिएट में आते हैं सो so, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय दिया कंप्यूटर कंपटीटर दिया कलिक दिया एग्जीक्यूटिव दिया सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट सिमिलर वर्ड सीना यानी कि क्या है सीनाम्स है एक सिमिलर मीनिंग होना सो so, एसोसिएट के सिमिलर मीनिंग है कलीग ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन नेक्स्ट है एकम्पलिस एकम्प्लीस मतलब है कि कोई भी अपनी इच्छा को पूरा करना अपने कोई भी गोल को पूरा करना वो है एकॉम्प्लीस ऑप्शन दिया है अचीव फ्लॉप प्लंक कॉमेंट्स सो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन और यू कैन से दिमिलर मीनिंग ऑफ एक्म्पलीस बाकी फ्लॉप यानी कि फेल होना प्लंक भी फ्लॉप होना फेल हो जाना कमेंट से फिर से स्टार्ट करना सो ऑल दिस थ्री वर्ड्स आर द एंथनिम ऑफ एकिस ओनली ऑप्शन ए इज़ दिनानिम ऑफ एकोम्पलिस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन नेक्स्ट है एनालोजी एनालॉजी मतलब है समानता सिमिलेरिटी और जिसे हम कहते हैं कि इक्वलिटी को रिलेशन भी कह सकते हो आप तो so, ऑप्शन दिया है डिफरेंस है कंपैरिजन है एडिशन है डिलीशन है ऑप्शन के हिसाब से ओनली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन बी फॉर एनालॉजी बाकी सब एंथनिम ऑफ एनालोजी नेक्स्ट है एलियर एलियोर का मतलब है फुसलाना फुसलाना कहते हैं हम जैसे और रिझाना सो so ये हो गया एलियोर ऑप्शन दिया है एक्सटॉल एक्साइड एलिसिट एक्सटोल का मतलब है सहराना प्रशंसा करना मींस एक्साइटमेंट एंटाइस एंटाइस है लुभाना जैसे रिझाना फुसलाना, फ सो ये लुभाना उस हिसाब से ऑप्शन सी द करेक्ट वन और एलाइसट का मतलब है निकालना निकाल देना ठीक है सो so, ऑप्शन सी द करेक्ट वन नेक्स्ट है स्टर्न स्टर्न का मतलब है एक डिसिप्लिन, खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं कि एक कठोर इंसान भी कह सकते हो रिजिट भी कह सकते हो आप rigid Drastic Tough So all this comes under the stern option there young stem strict lenient Option may say only option C is the correct one so stern yani ki discipline cut or is it drastic tough so the same the word स्ट्रिक ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट है आपका एबरेशन एबरेशन मीन्स यू कैन से फॉल डिक्लाइन जिसे हम पतन भी कह सकते हो विपतन भी, भी कह सकते हैं सो so, ये है एबरेशन का मतलब ऑप्शन डी है इंटरसिफिकेशन डेविएशन रेसनेलिटी जस्टिफिकेशन अमंग दिस ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर द वर्ड एबरेशन ओके नेक्स्ट ट्रैंकिलिटी ट्रैंकिलिटी इज़ समथिंग दैट डजेंट क्रिएट एनी नॉइस शांति कह सकते हो आप शांति ऑप्शन देख लेते हैं बिजीनेस सेरेनिटी पीस डिस्टरबेंस सो ऑप्शन में ऑलरेडी दिया है पीस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन नेक्स्ट रैबिट रैबिट इट मींस अ वायलेंट लेट्स सी द ऑप्शन हियर ऑप्शन है लिबरल वाइल्ड काम डिसेंट

ऑप्शन देख लेते हैं शेर नोइजी एस्ट्रल क्लेवर ऑप्शन में से ऑप्शन डी क्लेवर जो कि सिमिलर मीनिंग है नेक्स्ट एबज एबज्यूअर मीन्स रिजेक्ट ऑप्शन गिवेन या डिस्कस रिनाउंस रन ऑफ सिक्रेटली पॉजूर करेक्ट मीनिंग और करेक्ट सिमिलर मीनिंग ऑप्शन बी रेनाउंस फॉर द वर्ड एबज नेक्स्ट एबैट एबैट का मतलब है उकसाना मोटिवेट करना और ऑप्शन दिया है कंसीव वेज एंकरेज एड ऑप्शन में से ओनली ऑप्शन सी एंकरेज करेक्ट वर्ड फॉर एबैट नेक्स्ट ब्रीफ ब्रीफ मतलब शॉर्ट इट डजेंट मीन ए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इट्स ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यू कैन से ऑप्शन में ऑलरेडी दिया है शॉर्ट सो ओनली ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन नेक्स्ट इज़ डेलीगेट डेलीगेट मतलब जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी ऑप्शन ए में दिया है ऑप्शन ए डेलीगेट के लिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट मीनिंग नेक्स्ट नॉक्सियस नॉक्सियस इज विच इज़ अनप्लीजेंट और यू कैन से हानिकारक इसे नॉक्सियस ऑप्शन दिया है स्टेबल सूट पर्नेशियस हीलिंग ऑप्शन में से ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन नेक्स्ट इडियूस एडियूस इट मीन्स उत्पन्न करना उत्पन्न करना और यू कैन से अलग करना ऑप्शन दिया है डिमांड एलेसिड आइडियल आन ऑप्शन में से ओनली ऑप्शन बी वन जो मैंने ऑलरेडी बताया था निकालना निकालना एंड उकसाना अलग करना ऑल दिस सेम मीनिंग नेक्स्ट किन किन का मतलब एक परिवार रिश्ता परिजन ऑल दिस कमांडर किन वर्ड ऑप्शन डी है एग्जल टू फ्रेंड रिलेटिव ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन रिलेटिव नेक्स्ट सेवेंटीन बेकॉन बेकॉन इट मीन्स इशारा करना लाइक ऑप्शन डी है लाइट ब्लैक A light, back motion here. Only option C that is motion is the correct motion. It means movement, back on ishara karna. movement hona, which that means motion is the correct meaning for beacon. Next, solidarity. Solidarity it means uh, ekatta or you can say togetherness. Option D him oppression, sacred unity, crowd. Option C is the correct word. Next, brittle, which means easily breakable. So, no need to read the option. Here, already given option A, breakable, correct one. Next, the last question for today's video: Decade. Decade, which means decline. Let's see the option: good, fresh, corrupt, healthy. गुड फ्रेशन हेल्दी ऑल दीज आ एंथनी मॉट फॉर डिकेट बाकी कॉरप्ट है जो आपका सिना निम है सिनानेम्स ऑफ डिकेट इज़ कॉरप्ट सो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में